सोचिए, ठंडे दिमाग से विचारिए। मृत्यु के बाद भी कहीं जाना है, उसकी क्या तैयारी है हमारे पास? दिल्ली बंबई जाना है तो नक्शा है, अमेरिका लंदन जाना है तो नक्शा है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो नक्शा है, कुवैत जाना है तो नक्शा है, कहां कहां से जाओगे, कहां कहां उतरोगे, कहां फ्लाइट रुकेगी, कहां पर होटल पे है, सारी जानकारी आपके पास पहले से है। लेकिन मरने के पास जाना है उसकी तो कहीं कोई जानकारी भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए आपसे गुजारिश करूंगा, वक्त निकालो, भक्ति के लिए वक्त निकालो, प्रार्थना के लिए वक्त निकालो, ईश्वर की स्तुति के लिए वक्त निकालो, धर्म ध्यान के लिए वक्त निकालो, आत्म चिंतन मनन के लिए वक्त निकालो, सत्संग के लिए वक्त निकालो। क्यों? अरे जो भक्त आज आप भगवान की भक्ति के लिए निकालोगे, वही भक्त वक्त पर काम आएगा। जो भक्त आज आप सत्संग के लिए निकालोगे, प्रार्थना के लिए निकालोगे, धर्म ध्यान के लिए निकालोगे, वही भक्त वक्त पर काम आएगा। याद रखना, टाटा आपको बहुत सुंदर सुंदर गाड़ी दे सकता है लेकिन एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता। टाटा आपको बहुत बढ़िया गाड़ियां दे सकता है मगर एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता। एक्सीडेंट से बचाएगा आपके जीवन का पुण्य कर्म होगा तो आप बचते जाओगे। इसलिए वक्त निकालो, याद रखना, धर्म ध्यान के लिए समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। सत्संग के लिए समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। प्रार्थना के लिए समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। समय निकालो। कहने वालों ने कहा है, 10 काम छोड़कर नहाना चाहिए, 20 काम छोड़कर खाना चाहिए और 100 काम छोड़कर सत्संग में आना चाहिए। सौ काम को छोड़कर प्रार्थना करो, 100 काम को छोड़कर के मंदिर आओ, 100 काम को छोड़कर के उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना में हाथ जोड़ो, क्योंकि जो हाथ जोड़ता है, जो प्रभु के हाथ जोड़ता है, उसे भगवान, उसे दुनिया पसंद करती है। यह हाथ गिरतों को उठाने के लिए है, यह हाथ बेसहारों के लिए सहारा देने के लिए है। इसीलिए जीवन में आपसे गुजारिश करूंगा, बस इतना ही याद रखना कि अगर आदमी दिमाग की गर्मी हटाए और जुबान में नरमी लाए तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए।